हेलो एवरीवन, आई एम सिमानिका तिवारी। नमस्ते, ये मेरा पहला वीडियो है एंड मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और फैशन के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। हम आज सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं, जो कि पानी है। पानी पीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर उसका सही तरीका क्या है आज मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं न्यूट्रिशन की पढ़ाई करती हूँ एंड मेरा जो नॉलेज है वो न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे अगर आपको बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो आज आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो छोटी छोटी टिप्स को अपनी लाइफ में आजमा के। पहला चीज़ है, हमें हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म मतलब ल्यूकवॉर्म, हल्का सा गर्म, इतना भी नहीं कि वो एकदम उबला हुआ पानी। ल्यूकवॉर्म पानी पीना चाहिए। वो क्या करता है कि हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन होता है, जो रसायन होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। हमारा बॉडी बहुत फ्रेश फील करता है अगर हम लोग गर्म पानी का सेवन करें तो। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो होता है कि हम खड़े होकर पानी पीते हैं। आजकल के समय में जब किसी के पास वक्त की इतनी कमी है, हम हमेशा जब खड़े होकर पानी पीते हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पानी स्वेलअप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत आम तरीके में लोगों को दर्द महसूस होगा, डिहाइड्रेशन का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो है एक साथ बहुत सारा पानी पीने का। एक साथ बहुत सारा पानी गशिंग करना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए ताकि वो अटके ना। अगर आप बहुत सारा पानी एक साथ पीते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा या जुड़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, सर में दर्द रहता है, बोन्स में बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्वेलिंग का एहसास होता है, वो इसलिए होता है कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है। जब भी हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है ना, तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है जो हम लोग को पेन का एहसास कराता है। तो जब भी आपको पेन हो, आप कोशिश करें एक ग्लास या दो ग्लास पानी पी के 10 मिनट वेट करने का। जब 10 मिनट तक आप वेट करते हो, आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में वो पानी की कमी पूरी हो जाती है और फिर आपको हेडेक का बिहेवियर या वो प्रॉब्लम नहीं फील होगा। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक और इरिटेशन रहती है, इरिटेशन मतलब कोई भी छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा आना, वो भी एक निशानी है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक गर्ल्स बिल्कुल रिलेट करेंगी कि अगर स्किन अच्छी चाहिए तो पानी पीना चाहिए। पानी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्किन। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एक्ने ब्रेकआउट्स रहते हैं या पिंपल आ जाता है, तो अगर आपको एक्ने के मार्क्स हटाने हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है पानी पीना। वो पानी पीते हैं, जो एक्ने मार्क्स रहते हैं वो कुछ नहीं बट ही डेड सेल्स हैं, WBCs, जो हमारे लिए फाइट करते हैं, और बैक्टीरिया का। तो अगर इनको फ्लश आउट करना है, ये टॉक्सिन्स को हटाना है, तो हमें पानी पीना चाहिए। अब जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा, ये सब हटाने में आपके बॉडी को उतना मदद मिलता है। तो प्लीज़ पानी ज़रूर पीजिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में ज़रूर पीजिए। लास्टली, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमेशा पानी ज़रूर पीजिए। जब भी गुस्सा आए, जब भी ऐसा लगे कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है। उस सिचुएशन में आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी पीने से आपको जो ब्लड प्रेशर है थोड़ी देर में नॉर्मलाइज भी हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा भी फील होगा। लास्टली, जब भी आप कभी व्रत उपवास करें तब भी आपको पानी बहुत ज़रूरी है। वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं फील करने देगा और आपको जो पूरा दिन का ताकत है और आपका जो खाना अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आपको जो वो क्या बोलते हैं, वो फूड सप्रेसेंट है, तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो उसके लिए पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल और उस ब्लैक थंब को ब्लू टर्न कर दीजिएगा। थैंक यू।